प्रथम तहलका न्यूज। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों के हित में 3 अध्यादेश जारी किए हैं, जिसके बाद इन अध्यादेशों पर चर्चा करने के लिए वीरवार को चंडीगढ़ में हरियाणा गठबंधन सरकार और पार्टी नेताओं की एक बैठक हुई, जिनमें इन 3 अध्यादेशों पर विस्तार से चर्चा की गई। वही बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, कृषि मंत्री जेपी दलाल, हरियाणा बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह भी मौजूद रहे। बैठक के बाद हरियाणा के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों के हित के लिए जारी किए गए अध्यादेशों से उन्हें फायदा होगा। 3 जो अध्यादेश आए हैं, आज हमें दोनों दलों में जो प्रमुख रूप से किसानों के बीच में काम करने वाले हमारे नेता हैं, उनको बुलाया था और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री जी और विभाग के अधिकारियों के माध्यम से हमने उनको समझने का और उनके बारे में विस्तृत जानकारी लेने का काम किया है। सबसे पहले खुशी की बात, तथ्य की बात जो है वो ये है कि मंडी सिस्टम ज्यों का त्यों जारी रहेगा और MSP भी ज्यों का त्यों जारी रहेगा और जिन जिन चीज़ों की सरकारी खरीद होती है वो ज्यों की त्यों जारी रहेगी। हमें ये जो सुविधा दी है 3 अध्यादेशों के माध्यम से, वो केवल और केवल डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए दी गई है। इसका मंडी सिस्टम पर कोई असर नहीं है। डायरेक्ट मार्केटिंग में मान लो शुरू के साल में 1%, 2%, 3%, 4% लोग जाते हैं, तो ये सिस्टम जो बनाया गया है ये डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए बनाया गया है। जो परंपरागत सिस्टम चला हुआ है उस पर इसका कोई असर नहीं है। वो ज्यों का त्यों रहेगा, MSP ऐसे ही अनाउंस होते रहेंगे, MSP पे सरकारी खरीद ऐसे ही होती रहेगी। ये केवल डायरेक्ट मार्केटिंग को सुनिश्चित करने के लिए है। दूसरी बात, इनमें भी इन अध्यादेशों में, 3 अध्यादेशों में किसान के हितों को, प्रोड्यूसर के हितों को वो पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। किसी भी तरह से उसको कोई भी तकलीफ ना हो, बल्कि उसके हित पूरी तरह से सुरक्षित रहें, ये सुनिश्चित किया गया है। चाहे वो डायरेक्ट अपना सामान खुद बेचता है, खुद अपना माल बेचता है सड़क पर रख के, जैसे हम देखते हैं किसान अपना प्याज बेचता है, अपना अमरूद बेचता है, अपना खरबूजा बेचता है, अब वो आज़ाद है। अब उनको कोई भी जो है मार्केट कमेटी का कोई भी अधिकारी अब उनको परेशान नहीं कर सकता। हमारे दुजाना में प्याज बेचते हैं पावरिया समाज के लोग, ट्रक भर के लाते हैं, ट्रालियों में बेचते हैं, अब वो स्वतंत्र हैं, वो अपना ये व्यवसाय कर सकते हैं। तो एक आज़ादी किसान को मिली है, आप अपने भाव वो खुद तय करके बेच सकता है, वो मंडी के उस पर निर्भर नहीं है कि मंडी वाले ही उसका भाव लगाएंगे। दूसरा, अगर कोई आकर मेरे खेत पर आशीर्वाद आटे वाला मान लो मेरे गेहूँ लेना चाहता है, कोई दावत चावल वाला मेरे चावल लेना चाहता है, कोई ताजमहल वाला मेरे चावल लेना चाहता है, कोई रिलायंस फ्रेश वाला मेरी गाजर लेना चाहता है, कोई फ्लिपकार्ट वाला मेरे टमाटर लेना चाहता है, मेरे किन्नू लेना चाहता है, तो मैं उसके साथ एग्रीमेंट कर सकता हूँ। मेरे सब प्रकार के हित उसमें सुरक्षित रहेंगे, मेरे किसी भी प्रकार के हित को वो नुकसान नहीं पहुँचा सकता, ये अध्यादेशों में गारंटी दी गई है। तो इसलिए मैं अगर इस प्रकार से एडवांस मार्केटिंग करता हूँ तो उसका भी मुझे बेनिफिट होगा और अपना सामान सारा का सारा बेच सकता हूँ। तो ये दोनों तरह से, चाहे मैं खुद डायरेक्ट मार्केटिंग करूँ, चाहे मैं किसी दूसरे को अपना सामान बेचूँ बाजार से बाहर, उसकी आज़ादी दी गई है और नए खरीदारों को भी आज़ादी दी गई है कि वो भी किसान का सामान उसके खेत पर जाकर, उसके घर पर जाकर, उसके खलिहान, उसके पैर में जाके ले सकते हैं। ये किसानों को एक आज़ादी है जिसका अवसर उनको मिलेगा, लेकिन इसमें से सहसज करके किसान कुछ मात्रा में, मुझे लगता है कि अभी बहुत बड़ा प्रतिशत नहीं होगा, बाकी सारे पुराने किसान भाइयों के लिए इसी प्रकार का जो पुराना सिस्टम था MSP और मंडी का, ज्यों का त्यों जारी रहेगा। प्रदेशाध्यक्ष ने दावा किया कि इन 3 अध्यादेशों में किसानों के हित की सुरक्षा की गारंटी दी गई है।
और अध्यादेश लागू होने के बाद कोई भी कंपनी किसानों के साथ मनमर्जी नहीं कर सकेगी। पूरी तरह से झूठ पर आधारित है। उस अध्यादेश में यह है कि ना किसान की वो जमीन ले सकता है, अगर किसी ने कर्ज भी दे रखा हो तो वो उस तरह से खेती करा के मेरे से कर्ज की वसूली भी नहीं कर सकता। ये भी अध्यादेश में है, किसी भी तरह का बंधक पना उसमें नहीं है। पूर्ण तरह से किसान की स्वतंत्रता और आजादी है जो हर तरफ से दी गई है। वहीं तीनों अध्यादेशों को लेकर विपक्ष की ओर से मचाए जा रहे शोर पर ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो हकीकत में आड़ती हैं, वह लोग किसान नेता या किसान हितेशी बनकर इन अध्यादेशों को लेकर दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं। पड़ी कि कुछ लोग हैं तो आड़ती और किसान नेता बने हुए हैं, आड़त की दुकान चलाते हैं, किसान नकले फर्जी किसान नेता बने हुए हैं और किसान नेता बन के बहकाने जा रहे हैं। जो बहकाने का काम कर रहे हैं उनको बहकाने के विषय में ये जानकारी सच्ची किसानों तक पहुंचे, सीधी किसानों तक पहुंचे, किसान भाइयों को कोई उस पर से जो उनके फायदे की चीज़ है उसको नुकसान की ना बताए, इसलिए इस विषय हमने भी समझा और किसान भाइयों तक सब जाकर हम विषय को बताने वाले हैं कि डायरेक्ट मार्केटिंग तुम्हारे फायदे में है। अगर कोई तुम इस तरह से सामान बेचते हो तो तुम्हारे फायदे में है और इसके कोई भी अगर इस तरह से उनको गलत बताता है तो ये जानकारियाँ उसके हक में। यही अपोजिशन के लोग अगर इस पर गुमराह करते हैं तो वो किसान को झूठ ना बताएं, ये किसान के हक की बात है, किसान के हक की बात है। ये इसी के लिए कि ये किसान का हक कैसे है और कैसे इसके कौन कौन से फायदे हैं, इसकी पूरी डिटेल जानकारी के बाद ही आज हम मीडिया में ये कह रहे हैं कि इससे किसान का 100% फायदा है। और कोई किसान को कहता है तो झूठ बोल रहा है। के लिए बैठे हैं, पहली बात तो ये है कि विस्तार में हम गए हैं, हर पहलू को हमने जाना है। और दूसरी बात आपके लिए कि सेमिनार, संगोष्ठी, किसान गोष्ठी, किसानों के बीच में जाना, दोनों दल JJP BJP ये किसानों के बीच में जाएगी, उन किसानों के भी सेमिनार संगोष्ठियां करेगी जो डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं और अपनी अच्छी आमदनी ले रहे हैं। ये एक ऐसे ही है कि एक ट्रेन तो जाती थी वो जाती रहेगी, एक अलग बस चलाई गई है, उस बस यानी डायरेक्ट मार्केटिंग का एक चैनल खोला गया है जो किसान के लिए फायदेमंद है। वो अपने दाम खुद लगा सकेगा और अपना माल ज़्यादा आमदनी के साथ बेच सकेगा, इसलिए ये एक अच्छा रास्ता दिया गया है। इस अच्छे रास्ते को कोई गलत बताता है तो उसका ही भंडा फोड़ करने के लिए हम नीचे तक जाने वाले हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने किसानों के हित में 3 अध्यादेश जारी किए हैं, जिसके बाद प्रदेश भर में किसान इन अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं और इन अध्यादेशों को किसानों के खिलाफ माना जा रहा है, जिसको लेकर अध्यादेशों पर चर्चा करने के लिए वीरवार को चंडीगढ़ में हरियाणा की गठबंधन सरकार और पार्टी नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि तीनों अध्यादेशों के ऊपर किसानों को विस्तार से जानकारी देने के लिए सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। फिलहाल देखना होगा कि सरकार किसानों को समझा पाती है या नहीं और इस सेमिनार का कितना फायदा होता है। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।